यो बॉयज, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जो पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ पहले सबसे पहले वो काम कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में होने वाला है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब शॉर्ट्स और अपलोड कैसे करते हैं हम जानेंगे इस वीडियो में। वैसे काफ़ी शॉर्ट वीडियो यानी कि सिर्फ 4 मिनट की वीडियो, तो होप सो आपके पास इतना सारा टाइम तो ही मेरे पास वीडियो दिखाने के लिए, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और वैसे इस वीडियो में मैं जितने भी सारे म्यूज़िक मतलब यूज़ करने वाला जो कि मैंने शॉर्ट्स में यूज़ करी थी वो सारे कॉपीराइट फ्री है और इसके ऊपर भी हम अलग सा वीडियो बनाने वाले हैं, हम कैसे उसके अंदर फ्री म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं यानी कि बिना कॉपीराइट लगे, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, आप बात ये ध्यान में रखिए। और चलो फिर YouTube स्टूडियो में जाते हैं और YouTube स्टूडियो जाते ही, और हाँ मेरे पास और भी कुछ सारे नए नए टिप्स आपके लिए, जो भी मतलब यहाँ तक अभी समझ लो आपने वीडियो देख ली है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अभी तक वीडियो मतलब बना ही नहीं है YouTube शॉर्ट्स पे उसके लिए खुशखबर है, क्योंकि मैं उसको एक बताने वाला एक फ्री टिप। क्योंकि देखो शॉर्ट्स क्रिएट करने से पहले आपका जो रेशो है वीडियो का वो है 9:16, वो एक मतलब स्टैंडर्ड रेशियो, उसके बिना आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। अगर आप कौन सा भी आप रेशियो उठा के डालोगे तो फिर वो वीडियो एज अ यूट्यूब वीडियो कंसीडर की जाएंगी, ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स मतलब जब बनाते हो तो वर्टिकल में होनी चाहिए, इसका मतलब है 9:6 रेशियो में। और ही और दूसरी बात, आप कौन सा रेशियो कर सकते हो तो वो है 1:1, ये दो स्टैंडर्ड रेशियो है जो यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए काफ़ी मतलब एप्लीकेबल है, तो ही आपकी वीडियो शॉर्ट्स में चली जाएंगी, उसके बिना अगर आपका कुछ सक्सेस नहीं हो पाएगा मतलब वो शॉर्ट्स माना ही नहीं जाएगा यूट्यूब के इसमें। तो मेरे पास एक टाइटल है वेट फॉर एंड व्हेन नूब बिकम प्रो, और ये मेरे काफ़ी मतलब कल ही बनाई थी वीडियो, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ मैं इसको कैसे अपलोड करने वाला हूँ, तो यही उसकी बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं कुछ शॉर्ट मतलब हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, और इसी के साथ हम डिस्क्रिप्शन में इसी तरह से कुछ भरने वाले पूरा हैशटैग से। आपकी मर्ज़ी आपको टाइटल में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, लेकिन मैं आपको जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको क्या डालना चाहिए। वैसे मेरा पूरा हैशटैग देखो डिस्क्रिप्शन से भर चुका है, मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा हैशटैग से भर दिया है, और यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे हैशटैग है लेकिन मैं इसको इतने सारे यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ पर हम वीडियो स्किप करेंगे और सीधा जाके आगे और जानते हैं। यहाँ पे गेमिंग चेकिंग वगैरह सब हो चुका है और प्रोसेसिंग HD चालू है, और मेरा फ़िलहाल वाईफाई बहुत तेज़ है इसलिए काफ़ी जल्दी अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे मेरा गेमिंग के लिए मैं फ्री फायर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, और इसी के साथ मैं जानूंगा मेरे चेक्स में मेरे कॉपीराइट इशू तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सेफ हूँ मैं। और यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिक, यस पब्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा पूरी पॉलिसीज, और या फिर पब्लिश होने के बाद हमें एक लिंक ओपन होगी यानी कि बॉक्स ओपन होगा, और इसकी आपकी ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप मत कीजिए। और इसी के साथ हमारी वीडियो इधर ख़त्म होती है, लेकिन मैं एक बात बोलना भूल गया क्योंकि हमें थंबनेल भी बनाना था। वैसे मेरे पास थंबनेल था ऑलरेडी एक बना हुआ, इसलिए मैं फिर से अपलोड करना चाहता हूँ, मतलब वो थंबनेल को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वैसे थंबनेल की इसमें ज़रूरत नहीं रहती शॉर्ट्स में, क्योंकि शॉर्ट एक ऐसी जगह जहाँ पे हो ऑटोमेटिकली कौन से भी क्लिक पे एक रैंडम पार्ट होता है कि उसके शॉर्ट मतलब थंबनेल कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा थंबनेल बना दूँ, इसलिए मैं ऑलरेडी एक अभी थंबनेल अपलोड करने वाला हूँ। अपलोड थंबनेल में जाके अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक प्रोसेस करिए तो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त था इसलिए मैंने किया है। ओके, तो यहाँ पे मेरा पूरा वीडियो ख़त्म हो चुका, और जो भी मेरे लिए इतना सारा कीमती वक्त निकाला है उसके लिए थैंक यू, और जाते जाते प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं, और अगली बार मिलते हैं और एक नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।